हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। सो देखो ध्यान ना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सम टाइम वन मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई सेल्फ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ अ नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब अपने आप में ये फोर्स क्यों एडजस्ट कर लेंदी है? बिकॉज इट कम्स into play when a body is lying over the surface of another body without any motion। मान लो कि किता तुसी एक बुक नो एक टेबल दे ऊपर रख देता, ठीक है, आ किया थोड़ी बुक और तुसी एक टेबल दे उत्ते रख देता, तुसी कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तुसी कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, पर फिर भी जड़ी बुक का और टेबल दे ऊपर पई हुई है, इहदा मतलब इत्थे कोई ना कोई फ्रिक्शन होएगी, ठीक है। जो अपने आप इतने फ्रिक्शन पैदा होगी असं उन्होंने बोल दें स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इफ वी हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स, मान लो असी कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे ऑन अ बॉडी टू मूव द बॉडी, कि असी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करें, असी कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे, द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो बिकम जीरो, तो फ्रिक्शन भी कितनी होएगी? जीरो, ठीक है। अगर फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन इज ऑलसो जीरो। जब असी इधर न कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे तो इधर वाली चीज़ से भी कोई चीज़ फोर्स नहीं होएगी। इफ वी स्टार्ट अपलाइंग फोर्स, मान लो तुसी की आ हुण फॉर एग्जाम्पल आ डायग्राम देखो, पहला कार खड़ी हुई सी रेस्ट ते सी, ठीक है। अपने आप जो कार ने जमीन दे नाल जो फ्रिक्शन बनाई दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन। हुण तुसी सारे ने अपनी फैमिली रल के या तुसी कार नूं धक्का लगाना शुरू कर दिता, जिदा ही धक्का लगाना शुरू किया इहदा मतलब फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलसो स्टार्ट इनक्रीजिंग, फ्रिक्शन फोर्स भी स्टार्ट हो जाएगी। दिस हैपन्स अंटिल द अप्लाइड फोर्स इज लैस दैन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये उदों तक होएगा सो तुसी फील करोगे कि कार इको दम नहीं रुड़नी स्टार्ट होएगी, थोड़ा टाइम रहेगी। दिस हैपन्स उदों तक होएगा अंटिल जदों तक द अपलाइड फोर्स इज लैस दैन, जदों तक थोड़ी अपलाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन नालों घट होएगी। जिदा ही लिमिटिंग फ्रिक्शन तो थोड़ी फोर्स वध गई, थोड़ी कार ने हौली हौली रुड़ना स्टार्ट कर देना। वैन द बॉडी ओवरकम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिदा ही उन्हें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नू ओवरकम मतलब कि पार कर लिया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फ्रिक्शन की उन्होंने असी बोल देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। आफ्टर द लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी खत्म होगी, द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट गोइंग टू इनक्रीज फर्दर। हुण फ्रिक्शन ने होर ज़्यादा इनक्रीज नहीं होना। एट दिस स्टेज, इस स्टेज से आके असी कहांगे द ऑब्जेक्ट मूव ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। सो थोड़ी जी ऑब्जेक्ट होएगा उन्हें मूव करना स्टार्ट कर देना विद एट अ कॉन्सटेंट वैल्यू, सो किसी पर्टिकुलर कॉन्सटेंट वैल्यू के उपर, मान लो थोड़ी गड्डी स्टार्ट हो गई या कुछ भी है, ठीक है। सो यदा मतलब उन्हें दिस इज कॉल्ड कनाइटिक फ्रिक्शन। सो उस टाइम थोड़ी कार के जी फ्रिक्शन होएगी उन्होंने असी कनाइटिक फ्रिक्शन कहोंगे, जिस टाइम थोड़ी कार चल रही होएगी, ठीक है, स्टार्ट होएगी उस टाइम। ध्यान ना दोबारा सुन लो, कार खड़ी सी तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन सी, जिदा ही तुम उन्होंने धक्का लगाना स्टार्ट किया इतने आ गई लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। उसदे विच की आ गई लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिथे जस्ट उन्हें रुड़ना स्टार्ट किया, रुड़ते रुड़ते जो गड्डी स्टार्ट हो गई उन्हें ईजीली मूव करना स्टार्ट कर दिता, तो उत्थे कड़ी आएगी कनाइटिक फ्रिक्शन। सो कनाइटिक फ्रिक्शन फर्दर दो तरह की होंगी है। नंबर वन इज़ अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले वैन वन बॉडी स्लाइड ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी। स्लाइड मतलब जो वो कोई चीज़ असी घिसड़ती पई आ, लेट अस सपोज आ थोड़ा इनकलाइंड प्लेन आ, ठीक है, तुसी इहदे उत्ते कोई ब्लॉक रखिया, तुसी इहनू इधरों खिंचना स्टार्ट कर दिता तो ऑपोजिट साइड से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। कोई चीज़ स्लाइड कर रही है, ठीक है, उस टाइम कि फ्रिक्शन होएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज़ नोन एज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल वैन अ ब्लॉक इज मूविंग ओवर अ फ्लैट सर्फेस, कोई फ्लैट ब्लॉक नू असी फ्लैट सर्फेस के उत्ते मूव करवाया, द अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ब्लॉक इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो आ वाली फ्रिक्शन केड़ी फ्रिक्शन होएगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नैक्सट वन इज़ अ रोलिंग फ्रिक्शन, वर्ड तो ही क्लीयर हो रहा, कोई चीज़ हुण रोल करेगा, रोल मतलब कोई चीज़ रुड़ती हुई अगे जा रही है, जिदा थोड़ी बॉल होगी, ठीक है, टायर दे थोड़ी कार दे टायर्स वगैरह हो गए, थोड़ी स्कूटी दे टायर्स हो गए, ये सारे रोल करनगे। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले, ओवरली फोर्स जिदा ही प्ले करेगी वैन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी, एक बॉडी रोल करेगी दूसरी बॉडी के उपर, यदा मतलब एक टायर जो रोल करेगा
रोड के उपर सड़क के उपर जो रोल करेगा तो आ वाली फ्रिक्शन आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैन द व्हील रोलिंग ओवर अ सरफेस, जो थोड़ा व्हील सड़क के उपर रोल करेगा तो द फोर्स दैट अपोज इट इज़ नोन एज अ रोलिंग फ्रिक्शन, सो उन्होंने रोलिंग फ्रिक्शन कह देंगे। ठीक है, अज का छोटा जहा टॉपिक सी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जोड़ा या थोड़े वन मार्क्स का क्वेश्चन या फिर एम सी क्यूज़ की फॉर्म के ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, सो एम सी क्यूज़ की तैयारी इस टॉपिक के अच्छी तरह ना करना। थैंक यू।